हसन मेहदी भाई, एक एक मिसरे पे तारीफ की जाए तो एक एक घंटा चाहिए, लेकिन मेरे पास तारीफ करने का भी वक्त नहीं है, कसम खुदा की। 2020 का जमाना और दिल्ली बहुत मसरूफ हो चुका है, राजधानी बहुत मसरूफ है, बंबई से ज्यादा मसरूफ है, घड़ी की सुई पे ये शहर चलता है। चमन भाई, आपका कलेजा है जो इन लोगों को जमा कर ले जाते हैं। एक एक वक्त, एक एक आदमी का वक्त कितना कीमती है। और यहाँ जो बैठे हुए हैं कैमरे, ए भैया हैदर कैमरा घुमाओ, ये चेहरे कोई मामूली नहीं है, ये सब अपनी अपनी लाइन के बादशाह हैं, अपने अपने मैदान के, और उसके बाद में बैठे हुए हैं। मेरे पास वक्त नहीं है तारीफ करने का, ये समझ लीजिए तारीफ हो गई। अच्छा, ये भी एक बात है, देखिए शायरों की दो आदतें, अरसलान तुम बाद में पढ़ोगे इसलिए तुम दोनों बातें याद रखना। शायर दो तरह के होते हैं और दोनों अपनी खूबी में अकेले हैं। क्या एक वो जिसका एक शेर अच्छा हुआ तो शेर बढ़ता जाता है, और एक वो जिसका शेर हिट हुआ तो वो बैठ जाता है। दोनों का अपना जवाब नहीं है, दोनों अपने अंदाज में पेश करते हैं। आइए देखिए, अब आप लोग ज्यादा, कसम खुदा की मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, खाली एक बात कह रहा हूँ कि साहब ये है मिजाज। अब आइए मैं आपको शायरी की तरफ लेके चलता हूँ, और एक ऐसा शायर नहीं, एक वो छमन भाई की तरफ से क्या उमदा शेर आपने पढ़ा कि साहब जी चाहता है, जी कह रहा है फातिमा जहरा की कब्र पर रख दूं गिलाफे खाने काबा समेट के। एक शेर तो पढ़ूंगा समर भाई धौलड़ी के मिजाज का, नहीं अच्छा तो उसके लिए तो मतलब तो पढ़ूंगा ही, दो हो ही जाएगा। आप कैसी बात कर रहा है, ये तो मैं खाली जुगाड़ बना रहा हूँ। देखिए ये जो पश्चिमी यूपी है, मैं यहाँ 8 साल रहा हूँ और 11 साल का था जब धौलड़ी में निजामत की माजिद भाई, हाँ ये गवाह है ये सब, और उस वक्त से इसलिए उस मिजाज के उस लहजे का शेर सुना रहा हूँ। नजरों में जुल्फकार का हमला समेट के, जुल्फकार साहब, नजरों में जुल्फकार का हमला समेट के वो आया और ले गया दरिया समेट के, वो आया और ले गया। सुन लिया तो एक शेर वरना 35 शेर, ये भी एक मिजाज है। सुन लिया तो एक शेर पे खत्म वरना 35 शेर सुना सकता हूँ। वो आया और ले गया, अगर अगर सुना दिया तो आप ही को लोग घेरेंगे। वो आया और ले गया दरिया समेट के, कातिल कहाँ, धौलड़ी के मिजाज का शेर अच्छू भाई, और आपकी लाइन का शेर, LIU वाला शेर, CBI वाला शेर, कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के, कातिल कहाँ 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 न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। हैदर हैदर हैदर, मक्ता भी नहीं पढ़ूंगा। कातिल कहाँ, अकबर कहाँ बैठे हो भाई, फजल को भी ये शेर सुनाओ, नई नस्ल के मिजाज का शेर। सुन लिया आपने, अब मक्ता भी नहीं पढ़ूंगा, जो वादा किया था शेर अच्छा सुन लिया अब आपने। कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के, कातिल कहाँ कहाँ न छुपे थे हुसैन के, कसम खुदा की एक एक चेहरे को देखता हूँ तो 3 साल बाद 4 साल के बाद मुलाकात हुई तो याद आने लगते हैं कि क्या खैर खैरियत पूछूं। इतना बड़ा मजमा यहाँ हम लोग हर साल, इंशाल्लाह आइंदा से हर साल वैसे ही जश्न होगा और आप लोग ऐसे ही आएंगे। हाँ एक चीज, बीबी जहरा के हवाले से इतने मारके का शेर सुनाया, हमारे लिए ये बड़े अफसोस की बात है कि हम सब हवेलियां बनाएं लेकिन शहजादी का रोजा बेमजार हो। छमन भाई आप सलामत रहिए, 25-30 बरस से हम लोग देख रहे हैं आपकी जो कुर्बानियां हैं, जो खिदमात हैं, इंशाल्लाह 8 शव्वाल 10 मई, जरा कायदे से भाई इसको कैमरे में महफूज कीजिए और लोगों को पहुंचाइए ताकि ज्यादा ज्यादा तादाद में लोग आए। 8 शव्वाल ईद की 8 तारीख जो इस इन्हदाम जन्नतुल बकी, शहादत जन्नतुल बकी के अब तो 200 साल भी पूरे होने वाले हैं, 10 मई 2022 जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से 2 बजे दिन तक, 10 बजे से 2 बजे तक एहतजाज दर्ज कराएंगे हम लोग चमन भाई जैसे हर साल करते हैं। और इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पहुंचे जंतर मंतर पे ताकि हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो नुमाइंदगी हो और पूरी दुनिया देख सके कि शहजादी के रोजे की तामीर के लिए हम सब मजदूरी करने के लिए किस तरीके से बेचैन है कि इमाम जमाना आए और वहाँ हमें मजदूरों में शामिल करें और शहजादी का रोजा तामीर हो। बस यहीं से 4 मिसरों के साथ अगले शहर को बुलाऊंगा और मैंने कहा कि ये 2020 का जमाना है, न ज्यादा देर निजामत की गुंजाइश है, हालांकि यही कह कह के मैं देर ले कर लेता हूँ।
अगर आप कहते रहिए कि टाइम नहीं लूंगा तो टाइम ले सकते हैं आप। देखिए मैं अर्ज कर रहा हूं आपके सामने चार मिसरों के साथ अगले शायर को बुलाऊंगा। सबूत हक शहजादी की जमीन में ये जो मौलाना टौलाना लठमुल्ला कठमुल्ला हटमुल्ला छठमुल्ला झटमुल्ला पटमुल्ला उनके लिए मैं मिसरे पेश कर रहा हूं शहजादी की जबान में। सबूत हक तेरा सजदा भैया सबूत है भैये अमरोहे की जबान में सबूत है तेरा भैये भैये वाले 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 सुनो मिसरे सुनो वाले 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 मिसरे सुन भाईजान की जबान में भाईजान की जबान में सबूत है तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं फकत ये वहम है तेरा तेरा यकी तो नहीं। लोग दो सजदा करके सोचते हैं कि हमने अल्लाह पे एहसान किया एक सजदा करके सबूत है तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं दिल्ली में पढ़ रहा हूं फकत ये वहम है तेरा तेरा यकीन तो नहीं मैं फातिमा हूं। आठ शव्वाल को इस शेर के साथ आने वाले नौजवानों को तोहफे में ये शेर दे रहा हूं शहादत जन्नतुल बकी के लिए एहतजाज दर्ज कराना है। मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं अगर मैं कह दूं खुदा है नहीं तो नहीं। मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं अच्छा नहीं मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं। देख रहे हैं आपकी आंसू जारी हो गए आपकी आंखों से ये फजाइल की कैफियत। मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं अपनी माओ के हवाले ये मिसरे कर रहा हूं। मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं फातिमा हूं मशीयत पे वो दलील हूं मैं अगर मैं कह दूं खुदा है तो है नहीं तो नहीं। अगर मैं कह दूं खुदा है तो है नहीं तो नहीं। अगर मैं कह दूं खुदा है तो है नहीं तो नहीं। एक गुजारिश ये करनी थी छम्मन भाई आपके नाम से लोग डरते हैं जो लोग उर्दू नहीं समझते वो भी छम्मन भाई क्या तेवर देख के मान जाते हैं। हमने देखा पायलट हो या ड्राइवर छम्मन भाई का इशारा देख के सब काम करते हैं इराक में ईरान में माइक वाला आपके काबू में नहीं है। कसम खुदा की हसन मेदी मीरपुरी से पूछिए इतना फास्ट खेलने वाला ये बीच में माइक की दीवार आ जाती थी और वो ऐसे करके सोचता था कि अब दाद दे तब थोड़ी देर के बाद मैं आऊं। माइक की परेशानी थी इसलिए बताया मैं महसूस कर रहा मैं इसलिए कह रहा हूं जो लड़ाई है वो रहेगी छम्मन भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ संवेदी भाई जो आपके साथ या माइक की गड़बड़ थी तहत वालों के साथ भी ये मसला होता है भाई जरा सा उसको फ्रीक्वेंसी खोल दो। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ मैं तरन्नुम वाले को रोके हुए हूँ। मेरे पास एक मुनव्वर जलालपुरी है और दो दो आमिर हैं एक फैजाबाद वाला एक उतरौले वाला लेकिन ये ठीक हो तो उनको बुलाऊं अभी तो वैसे बुलाऊंगा कि जो अमहट का है जो लड़ पड़ के माइक से काम ले लेगा सुल्तानपुर से मैं बुला रहा हूं उसे। अभी जश्ने सब्र शजात किया है परसों हमने निजामत की है कसम से बैनल हरमायन का एकदम मंजर जैसे लग रहा कि आसमान से कहकशां जमीन पे उतर आई हो रात में सूरज भी आ गया हो चांद भी आ गया हो सितारे भी आ गए हो जन्नते भी आ गए हो अंबिया भी आ गए हो औलिया भी आ गए हो इतना शानदार जश्न हुआ कसम खुदा की। और मजमा भी ऐसा आया था कि उधर लग रहा था कि आसमान वाले और वहाँ तमाम समावात वाले और अर्ज वाले और जौनपुर वाले और बनारस वाले और बेताब हलौरी वाले यानी हजरत जाफर जिन वाले वो सब 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 वहाँ मौजूद थे। आइए मैं गुजारिश करूंगा सुल्तानपुर के वो शायर जनाब आरिफ सुल्तानपुरी साहब और इंशाल्लाह एक ही कलाम में वो काम कर देंगे कि आप देखिएगा नारे
रहने दो, बस बस भाई 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 जो है बस ऐसे रहने दो, छोड़ दो। जलालत से निकल कर साहिबे मियार हो जाए, जलालत से निकल कर साहिबे मियार हो जाए, हर एक तूफान से उसका सफीना पार हो जाए, हर एक तूफान से उसका सफीना पार हो जाए, जहन्नम को अगर सारा जमाना चाहे का मातम दार हो जाए, अगर सारा जमाना चाहे का मातम दार हो जाए। कुछ हद तक बहरहाल ये माइक सही हुआ है। एक मुसद्दस चंद बंद हाजिर कराऊं, नहीं भाई आज आप चाहता हूँ हाजिर करें। अभी माँ का जिक्र हो रहा था, बेटी का जिक्र कर रहे हैं, मुलादा कर रहे हैं। ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, ज़ैनब आल शरफ नूर खफी की बेटी, यानी हूँ मजहर औसाफ जली की बेटी, फातिमा माँ है मेरी जो है नबी की बेटी, फातिमा माँ है मेरी जो है नबी की बेटी, नाम ज़ैनब है मेरा मैं हूँ अली की बेटी, नाम ज़ैनब है मेरा मैं हूँ अली की बेटी, ये शरफ मैंने जमाने में फकत मिलजुल के मुझे पाला है, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, दीने पैगंबर इस्लाम की तौकीर हूँ मैं, कूफा शाम में इस्लाम की तकदीर हूँ मैं, दस्त कुदरत ने जो लिखी है वो तहरीर हूँ मैं, मेरा शबीर है कुरान तो तफसीर हूँ मैं, मेरा शबीर है कुरान तो तफसीर हूँ मैं, मेरा शबीर है कुरान तो तफसीर हूँ मैं, मुस्कुराते हुए ये हक वली कहते हैं, मेरे बाबा तो मुझे ज़ैन अली कहते हैं, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब। जल्दी जल्दी मुदाहरत कर लें हजरत, नियर भाई हाजिर कर रहा हूँ। मेरी तौसीफ है कुरान के हर पारे में, जा बजायतें आई हैं मेरे बारे में, मेरे सजदों की झलक देख लो हर तारे में, मेरा लहजा है बसा दीन के नकारे में, मेरा लहजा है बसा दीन के नकारे में,
मेरे सजदों की झलक देख लो हर तारे में। बदनसब कैसे मेरी मदह में लब खोलेगा, मेरे बारे में फकत पाक नसब बोलेगा। ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, 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 ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब। नाम ज़ैनब है मेरा, मैं हूँ वली की बेटी। और ये भी बदनाजा कल्याण आजाद, बेरी दाई में भी पर्दे को ना छोड़ा मैंने, हक से एक लम्हे को भी मुंह को ना मोड़ा मैंने, जुल्म और जबर की हर आग को फोड़ा मैंने, काबा दीन के असनाम को तोड़ा मैंने, काबा दीन के असनाम को तोड़ा मैंने, जुल्म और जबर की हर आग को फोड़ा मैंने, सारे दरबार सितम जुल्म को यूं डांट दिया, हक की तलवार से बातिल का गला काट दिया। ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब। आखिरी बंद मुलाजा फरमा ले हजरत, जहाँ जहाँ मोमिन तशरीफ फरमा है इस बैत पे खास तवज्जो चाहता हूँ, मुलाजा करें हजरत। अज़मी ताबा फलक सारा इलाका मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, अज़मी ताबा फलक सारा इलाका मेरा, करबला मेरी नजफ मेरा मदीना मेरा, लौहे महफूज मेरी साया तूबा मेरा, कुदसियों की है जबानों पे कसीदा मेरा, कुदसियों की है जबानों पे कसीदा मेरा, जिनको खाने के भी ख्वाहिश नहीं बाते हैं, जाने क्यों रोटियां घर से मेरे ले जाते हैं। ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब। नाम ज़ैनब है मेरा, मैं हूँ वली की बेटी, जिंदगानी की गरानी में अजब काम किया, शिद्दत तशना दहानी में अजब काम किया, अलकमा तेरी रवानी में अजब काम किया, मेरे अब्बास ने पानी में अजब काम किया, मेरे अब्बास ने पानी में अजब काम किया, अलकमा तेरी रवानी ने अजब काम किया, अपने चुल्लू में उठा कर जो गिराया पानी, लब कौसर से सदा आई किया पानी। ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, ज़ैनब हूँ मैं ज़ैनब, नाम ज़ैनब है मेरा, मैं हूँ वली की।